जिला मलेरिया नियंत्रण कार्यालय के प्रयासों से अब शहर में डेंगू और वायरल फीवर का असर कम हो गया है। यहाँ शासकीय माधवनगर और चरक चिकित्सालय में बेड खाली होने लगे हैं। मलेरिया विभाग के प्रभारी डॉक्टर एस के अखंड ने कहा कि अब केवल 17 मरीज ही सामने आए हैं। वहीं इस सीजन में डेंगू से केवल एक मरीज की मौत हुई है। चिकित्सालय का पूरा अमला इस समय मरीजों की देखभाल में जुटा हुआ है। यही कारण है कि डेंगू के मरीज कम हो गए हैं। वहीं डॉक्टर अखंड ने लोगों को अवेयरनेस के लिए कहा है, आसपास के क्षेत्र में पानी जमा नहीं होने दे। डेंगू को लेकर क्या स्थिति शहर की, जिले में कितने पेशेंट हैं? अब तो डेंगू की स्थिति काफी अच्छी सुधार में है। अब आज की रिपोर्ट के अनुसार आज केवल 17 पॉजिटिव निकले हैं। अब काफी डाउन फॉल पे चल रहा है डेंगू के केस तो, और अभी एडमिट भी कोई ज़्यादा नहीं है। काफ़ी बेड खाली है जिला चिकित्सालय में, माधवनगर में भी। सर, इसमें कितनी देर से रिपोर्ट हुई है इसको? अभी तक तो केवल एक ही हुई है। सर, क्या प्रिकॉशन अपन लेना है और क्या ले रहे हैं प्रिकॉशन? अभी प्रिकॉशन तो ये लेना है कि अपने घर के आसपास जो पानी भरा रहता है वो भरे, डेली उसकी सफाई करें, पानी भरने न दे। ताज़ा पानी में मतलब ये पनपता है ठीक, तो उसको बर्तन को साफ करके उसका डेली पानी भरें।